हाय नमस्कार, मैं हूँ अनुराधा पौडवाल और आप देख रहे हैं इन एंटरटेनमेंट। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। सभी भारतवासियों को इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत प्यार और अमन रहे आप सबके जीवन में और स्वास्थ्य रहे, यही ईश्वर से कामना है। अच्छी बात है, आजकल बहुत लोग न्यूज़ को फॉलो कर रहे हैं, ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसे में एक अच्छा चैनल आ जाए ही इज़ ऑलवेज़ वेलकम। और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ एंड विश देम ऑल द बेस्ट। ईश्वर की कृपा है ये कि क्योंकि चाहे इंसान कितना ही तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन अपने ज़मीन से जुड़ना चाहता है, अपने ईश्वर से जुड़ना चाहता है। तो ईश्वर से जुड़ने के लिए म्यूज़िक से और बेहतर कौन सी चीज़ हो सकती है। तो हर एक इंसान अपने अपने इष्ट का कोई ना कोई भजन तो सुनना चाहता है। मैं भी इन दिनों में आदि शंकराचार्य के ऊपर काम कर रही हूँ, मतलब उनके लिखे हुए जो स्तुतियाँ हैं उनको मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ऐसा कौन सा भजन है जो आपके दिल के काफ़ी करीब है, जो हमेशा? राम भुजंग स्तोत्र है जो मैंने राम जन्मभूमि में जब मंदिर का जो स्थापना हुई थी उस वक्त गाया था। फिर गायत्री मंत्र है, गंगा जी की आरती है। आपके गाने के बिना पूजा अधूरी मानी जाती है कि घर घर में क्या कहना चाहोगे? कृपा है भगवान की, इतने सालों से सुनते आए हैं तो ईश्वर ने भर भर के प्यार दिया है। अगर बात करें अभी जो बने आजकल जो सिंगर है, नहीं, बहुत अच्छा गा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे तो बहुत ही लाजवाब गा रहे हैं। हर एक ने अपनी जगह ढूंढ ली है और ईश्वर उन्हें कामयाबी दे रहा है, मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है। 15 अगस्त सभी भारतवासियों को इंडिपेंडेंस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत प्यार और अमन रहे आप सबके जीवन में और स्वास्थ्य रहे, यही ईश्वर से कामना है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। हाय नमस्कार, मैं हूँ अनुराधा पौडवाल और आप देख रहे हैं इन एंटरटेनमेंट।